हेलो फ्रेंड्स, बोनसाई केसरी में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं और इसके रिजल्ट्स भी दिखाएंगे। हिबिस्कस पे मिली बग का अटैक एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, सभी के गार्डन में ये होता ही होता है, बिकॉज मिली बग को हिबिस्कस बहुत पसंद है। तो मेरा जो प्लांट है ये, इस पर हिबिस्कस पे अटैक हो गया है मिली बग का बहुत ज़बरदस्त, और ये ऑलमोस्ट मरने वाला है अगर इसको हैंडल नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम आज इसी एपिसोड में देखेंगे कि किस टाइप से हम अपने हिबिस्कस को सेव कर सकते हैं। ये देखिए, इसमें कितना ज़बरदस्त मिलीबग अटैक हो गया है। मतलब फ्लावर्स के अंदर भी हैं, ब्रांचेस पर भी मिलीबग्स लगे हुए हैं वाइट कलर के, और पत्तियों के तो क्या ही कहने, पूरे ब्लैक हो गई हैं और नीचे की तरफ झुक गई हैं, ड्रूप हो रही हैं, और धीमे धीमे करके ये येलो होकर मर जाएंगे, गिर जाएंगी। ठीक है, तो इसको हैंडल करने के लिए आज मैं सॉल्यूशंस बताता हूँ आपको, तीन तरीके के, किचन सॉल्यूशन और जो एक केमिकल सॉल्यूशन। तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये इसका जो है तरीका आपके किचन में ही अवेलेबल है, घर में ही है, तो हम उसी को देख लेते हैं क्या करना है। ठीक है, तो हम आज फर्स्ट मेथड इसमें अप्लाई करके देखते हैं। ये है मिली बग को हैंडल करने का ज़ीरो कॉस्ट किचन मेथड। ठीक है, हमने विम बार ले लिया है, विम सॉल्यूशन है एक्चुअली ये, और इसको हम 1 लीटर बॉटल में मिला देंगे। ठीक है, कोई सा भी आप ले सकते हो जो भी आपके घर में अवेलेबल है, नीम वाला है, लेमन वाला है। तो हम इसको लेकर करीब करीब 1 लीटर में 5 ml तक मिला देंगे। ठीक है, 5 ml मिलाने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करके फिर इसको स्प्रे कर देंगे प्लांट के ऊपर जहाँ भी अटैक हुआ है। तो ये हो गया मेथड वन। मेथड टू है नीम ऑयल। ठीक है, ऐसे ही 1 लीटर में आप 5 ml नीम ऑयल मिलाकर उसको स्प्रे कर दीजिए, अगर डिश वॉशिंग से नहीं जाता है तो। ठीक है, और थर्ड है जब बहुत ही सीवियर अटैक हो गया है तो केमिकल इंसेक्टिसाइड। अगर वो नहीं जाता है इन दोनों मेथड से तो केमिकल इंसेक्टिसाइड यूज़ करिए। जनरली जो है डिश वॉशिंग सोप से चला ही जाता है। ठीक है, मैं आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगा, पक्का चला जाएगा। ठीक है, चलिए स्प्रे करते हैं फिर। तो स्प्रेइंग प्रोसेस स्टार्ट कर लेते हैं। पंप में सॉल्यूशन डाल दिया है, इसको प्रेशराइज कर लेते हैं और स्टार्ट। बहुत अच्छी तरीके से इसको स्प्रे करना है एकदम। हमने बहुत ही लाइट सॉल्यूशन बनाया है तो एकदम प्लांट को पूरी तरीके से नहला देंगे, चाहे कितना भी बड़ा प्लांट हो, उसमें करना यही है। ठीक है, पत्तियों के ऊपर से, ब्रांचेज में, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पत्तियों के नीचे, क्योंकि पत्तियों के नीचे ही इनके एग्स होते हैं। तो हम बिल्कुल अच्छी तरीके से एक एक पत्ती को उठा उठा कर जो है इस तरीके से पूरा स्प्रे कर देंगे। ठीक है, अच्छा, ये प्रोसेस जो है आपको रिपीट करना है एवरी थर्ड डे, 3rd to 4th day, जब आपको टाइम मिले तो ये करिए। वीक में 2 बार करेंगे तो 15 डेज़ के अंदर गारंटीड से आपके जो है मिलीबग ख़त्म हो जाएगा और न्यू आने लगेंगे फ्लावर्स। इसके अंदर तो देखिए कितना ज़बरदस्त लगा हुआ है, फ्लावर के अंदर तक घुस गए। ठीक है, तो ये सब स्टेप आप अपनाइए तो आपका हिबिस्कस गारंटीड से सेव हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए रिजल्ट्स देखते हैं। तो देखिए, आफ्टर 15 डेज इसको हमने स्प्रे किया है हर वीक में 2 बारी। ठीक है, तो इसकी ये प्रोग्रेस है, प्लांट भी बच गया है मेरा और अच्छे से ग्रोथ भी कर रहा है। देखिए, इसमें न्यू लीव्स आ गए हैं, इधर पे न्यू कलियां आ रही हैं, है ना, और इधर तो फ्लावर भी आ गया है। तो सोपी सॉल्यूशन ऑन हिबिस्कस 110% वर्क करता ही करता है, ये इसका इन्फ्लुएंस है। ये एक एकदम रामबाण इलाज है मिली बग अटैक ऑन हिबिस्कस के लिए। अटैक भी ख़त्म हो जाएगा और आपका प्लांट भी बच जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही टिप्स के लिए और छोटी छोटी किचन मेथड्स के लिए, जिससे कि आपकी गार्डन की कॉस्ट ज़ीरो रहे, सब्सक्राइब कीजिए
बोनसाई केसरी को सपोर्ट कीजिए, हमको लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।